Good morning, kids. I hope you all are good. Kids, today first we will do reading and after that we will do our written work. बेटा आज हम अपनी पुस्तक स्वर सुगंध के एक ही मात्रा के पेज नंबर 23 को रीड करेंगे. किड्स ओपन पेज नंबर 2323. बेटा आज हम एक ही मात्रा के इस फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टुडेज डेट. हियर वी विल मेंशन टुडेज डेट एंड टुडेज डेट इज 11th ऑफ जनवरी 2021 मींस 1111.01.2021. पहले पहले अब ये देखिए बेटा ल में कौन सी मात्रा आ रही है. ए की मात्रा. जब हम ले बोल रहे हैं तो आपको कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है. ए का. जो इंग्लिश का अल्फाबेट ए होता है ना एबीसी बोलते हैं ना इंग्लिश का जो अल्फाबेट ए है उसका साउंड सुनाई दे रहा है. पहले पहले रमेश रमेश आया आया पहले रमेश आया. और ये देखिए बेटा ये कौन सा साइन है पूर्ण विराम का. जब हमारा हिंदी में कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या लगाते हैं पूर्ण विराम लगाते हैं. लेकिन इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या लगाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं. अब ये देखिए फ. फ में कौन सी मात्रा आ रही है एक की मात्रा आ रही है. और ये किस तरफ से लग रही है बेटा ये मार्जिन लाइन की तरफ से लग रही है. फिर फिर. और जब हम एक की मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है जो हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है. फिर फिर सुरेश सुरेश आया आया फिर सुरेश आया. वे मेला मेला देखने देखने गए गए. वे मेला देखने गए. अब ये देखिए बेटा व व्यंजन जैसे ही व में एक की मात्रा लगी इसे हम बोलेंगे वे. देर देर तक तक घूमते घूमते. अब ये देखिए घ. घ में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा ऊ की मात्रा आ रही है. और इसे हम कैसे बोल रहे हैं लंबा खींच के बोल रहे हैं. घूमते घूमते रहे रहे. वे देर तक घूमते रहे. ठेले ठेले वाले वाले. अब ये देखिए व. अब व में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा आ की मात्रा. जब हम वाह बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा पूरा मुख खुल रहा है. वाले वाले से केले केले लिए लिए. ठेले वाले से केले लिए. अब ये देखिए फ व्यंजन. अब फ में कौन सी मात्रा लग रही है बेटा एक की मात्रा लग रही है. और जब हम एक की मात्रा बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा है. फिर फिर वे अपने अपने घर घर आए आए. फिर वे अपने घर आए. बेटा इस पैराग्राफ को आपको कम से कम 3 या 4 बार रीड करना है. और एक बात का ध्यान रखिएगा जिस अक्षर को आप पढ़ रहे हैं जिस शब्द को आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे आपकी फिंगर होगी. तो चलिए बेटा अब हम अपना रीजन वर्क स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टुडेज डेट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड टुडेज डेट इज 11th ऑफ जनवरी 2021 मींस 1111.01.2021. And just opposite side is right hand side and here we will mention Likhit Karya. In second line we will mention today's heading and today's heading is O ki matra ke shabd. बेटा आज भी हम क्या कर रहे हैं आज भी हम O की मात्रा के शब्द कर रहे हैं. और आज हम वो शब्द करेंगे जिनके second letter में क्या लगती है O की मात्रा लगती है. नंबर वन कठो. अब ये देखिए बेटा ठ व्यंजन जैसे ही ठ में O की मात्रा लगी इसे हम बोलेंगे ठो. और इसके साथ हमने लिखा र तो क्या बनाइए कठोर कठोर. कठोर का अर्थ होता है बेरहम. हम कई बार बोलते हैं ना कि वो तो बहुत बेरहम है देखो बच्चा रो रहा है और उसको कोई असर नहीं हो रहा है. तो कठोर कठोर. टू जागो जागो. अब ये देखिए बेटा ज जैसे ही ज में आ की मात्रा लगी इसे हम बोलेंगे जा. और ग में कौन सी मात्रा आ रही है ओ की मात्रा तो क्या बनाइए जागो जागो. और मम्मी आपको बोलती है ना कई बार जागो सुबह हो गई बोलती है ना तो जागो जागो. नंबर थ्री रसोई रसोई. और रसोई में मम्मी क्या करती हैं आपके लिए खाना बनाती हैं तरह तरह के पकवान बनाती हैं ना मम्मी रसोई रसोई.
नंबर फोर स, और ये देखिए बेटा म, म में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा में क्या लग रही है, वन स्टैंडिंग लाइन और वन मात्रा, और जैसे ही म में ओ की मात्रा लगाएंगे इसे क्या बोलेंगे, मो, और इसके साथ हमने लिखा सा, तो क्या बनाइए, समोसा, समोसा, और समोसा तो आपने खाया ही होगा, खाया है ना आपने समोसा, समोसा, समोसा। बेटा नंबर फिफ्थ, कहो, कहो, और कहो हम बोलते हैं ना, कहिए आपको क्या कहना है, कहो आपको क्या बोलना है, बताओ बोलते हैं ना, तो कहो, कहो। बेटा नंबर सिक्स, ख, अब ये देखिए ट व्यंजन, जैसे ही ट में ओ की मात्रा लगाई इसे हम बोलेंगे टो, और इसके साथ हमने लिखा ला, तो क्या बनाइए, खटोला, खटोला, और खटोला का अर्थ होता है छोटी खाट, छोटी चारपाई होती है ना बेटा जिसमें हम बैठते हैं सोते भी हैं, तो छोटी खाट, खटोला, खटोला। बेटा नंबर सेवन, अशोक, अशोक, और अशोक क्या है, यहाँ पे किसी का नेम है। नंबर एट, आओ, आओ, और आओ मतलब बेटा हम जब किसी को बुलाते हैं ना, आओ इधर आओ हमारे पास आओ, तो आओ, आओ। नंबर नाइन, कटोरी, कटोरी, अब ट में देखिए कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा, और र में कौन सी मात्रा लग रही है बेटा, ई की मात्रा, और इसे हम कैसे बोल रहे हैं, लंबा खींच के बोल रहे हैं, कटोरी, कटोरी, और कटोरी का यूज करती है ना मम्मी, सब्जी भी डालती हैं, दाल डालती हैं उसमें, डालती है ना, कटोरी, कटोरी। बेटा नंबर टेन, मनोज, मनोज, और मनोज क्या है, यहाँ पे किसी का नेम है। बेटा लास्ट नंबर इलेवन, लाओ, लाओ, अब लाओ में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा, आ की मात्रा, और जैसे हम ला बोल रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा पूरा मुंह खुल रहा है, लाओ, लाओ, और हम बोलते हैं ना लाओ, लाओ इधर लेके आओ, जल्दी से ले आओ, लाओ मेरा बैग लाओ, तो लाओ, लाओ। आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, from here we will draw straight line with the help of scale, then we will mention heading, here we will mention heading Shruti Lake, and after heading again we will draw straight line from here with the help of scale, then we will mention numbers 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, aur hum 8 numbers kyun mention kar rahe hain, kyunki hum 8 words Shruti Lake le rahe hain, to chaliye beta ab hum apna Shruti Lake start karte hain, number 1 थाल, थाल, बेटा अगेन आई रिपीट नंबर वन थाल, थाल, हियर यू विल राइट नंबर वन श्रुति लेक वर्ड। बेटा नंबर टू बिल, बिल, बेटा ध्यान से सुनिए मैम कैसे बोल रहे हैं, बिल, बिल। नंबर टू, नंबर थ्री जीभ, जीभ, बेटा ध्यान से सुनिए मैम कैसे बोल रहे हैं, जीभ, जीभ। नंबर थ्री, नंबर फोर रुक, रुक, बेटा अगेन आई रिपीट रुक, रुक। बेटा नंबर फोर श्रुति लेक वर्ड आपको यहाँ लिखना है। बेटा नंबर फिफ्थ भून, भून, बेटा ध्यान से सुनिए भून, भून। नंबर फिफ्थ, बेटा नंबर सिक्स नृप, नृप, अगेन आई रिपीट नंबर सिक्स नृप, नृप। नंबर सिक्स श्रुति लेक वर्ड। बेटा नंबर सेवन श्रुति लेक वर्ड सेब, सेब, नंबर सेवन सेब, सेब। नंबर सेवन, बेटा लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुति लेक तैर, तैर, बेटा ध्यान से सुनिए मैम कैसे बोल रहे हैं, तैर, तैर। लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुति लेक, हियर यू विल राइट। बेटा वर्क बहुत नीटली करना है, बहुत केयरफुली करना है, और जो ओ की मात्रा के शब्द हैं वो मार्जिन लाइन को टच करके लिखेंगे, एंड स्पीक एंड राइट। एंड सेकेंड थिंग बेटा, श्रुति लेक वर्ड्स पहले बहुत ध्यान से सुनने हैं और फिर करने हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।